दोस्तों नमस्कार, YouTube के LS Technology Education चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं ब्लेंडर, और ब्लेंडर के अंदर हम करेंगे आज कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ड्राइंग, कोई भी मैश अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो उसकी मूवमेंट, उसकी अभी मूवमेंट तो नहीं करेंगे, अभी उसको हम देखिए रोटेट है, जो स्केल है वो करेंगे, स्केलिंग रोटेट, और उसको ग्रैब करेंगे, वो कैसे कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटर, अगर ये देखिए मैं यहाँ पे अभी तक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, वो डालने के लिए मैं पहले शिफ्ट सी दबाता हूँ ताकि हमारा जो ये माउस का पॉइंटर है वो बिल्कुल सेंटर में आए, ठीक है। आप सेंटर में अगर यहाँ डालना चाहे यहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी डालना चाहे जहाँ ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों उससे पहले चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट डालना है, मैं यहाँ से शिफ्ट ए दबाऊंगा, यहाँ पे देखिए काफी सारे मैच आ गए, मैच में मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप डालना चाहिए ऐसा, ठीक है। यह सिंपल क्यूब है क्योंकि क्यूब के ऊपर आपको सारे इफेक्ट जो आपके स्टाइल में आपको बताऊंगा, ग्रैब वगैरह करना, जो है रोटेट करना, स्केलिंग करना, वो आपको सारे अच्छी तरह से दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि चारों डायरेक्शन की सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो डायरेक्टली आप इसको ऊपर, ठीक है, जो हमारा जेड एक्सिस है ब्लू, उसके ऊपर, ठीक है, वाई पे ले सकते हैं और एक्स पे ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों इसको देखिए, अब माउस बिना इसको टच किए कैसे आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जी, ठीक है, जी दबाएंगे, देखिए जैसे ही इसका ये चेंज हो जाएगा और व्हाइट कलर में थोड़ा इसके जो एजेज है वो व्हाइट कलर में आपको दिखाएंगे, उसके बाद आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इसको टच करने की भी जरूरत नहीं है, एस्केप दबाएंगे वापिस वो अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, यही ऑप्शन दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको देखिए स्केल कैसे करते हैं, इसको बड़ा छोटा कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या बटन दबाना पड़ेगा, एस, एस बटन हम प्रेस करेंगे ऐसे स्केलिंग के लिए, और देखिए ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा, मैसेज आ गया मेरे पास, चलिए यहां से इसको स्केलिंग आप कर सकते हैं। अब स्केलिंग क्या होगी, चारों जो हमारे इसके डायरेक्शन है, जो सारी साइड है वो सेम डायरेक्शन में, सेम साइज में बड़ी हो रही है, ठीक है दोस्तों। हम चाहते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको बड़ा करना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्केलिंग एस लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप जिस डायरेक्शन को बड़ा करना चाहते हैं आप भी इसमें चाहे, अगर मैं चाहता हूँ जेड एक्सिस को मैं बड़ा करना चाहूँ, तो देखिए आप इसको जेड एक्सिस पर स्केलिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसको चाहे वाई एक्सिस पर स्केलिंग करना तो वाई एक्सिस पर इसको स्केल कर सकते हैं, आप चाहे इसको एक्स एक्सिस पर स्केल करना तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस पर भी इसको स्केल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वापिस एस्केप दबाता हूँ क्योंकि हमें अभी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट के लिए शॉर्टकट है आर, आप इसको देखिए रोटेट कर सकते हैं, रैंडमली रोटेट हो रहा है, लेकिन आप इसको किस एंगल पे, किस एक्सिस पे रोटेट करना चाहते हैं उसको, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आर आपने प्रेस कर रखा है, ठीक है, रोटेट है। अब आप इसको एक्स एक्सिस पे अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, देखिए सिर्फ एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा, अगर आप इसको वाई पे चाहते हैं तो देखिए दोस्तों सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको जेड एक्सिस पे आप करना चाहते हैं रोटेट, तो देखिए जेड एक्सिस पे रोटेट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो ब्लेंडर के अंदर सेम काम करेगा, सेम ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको समझ में आया एक बार बताता हूँ, रोटेट लेंगे, अगर आपको किस एक्सेस पे घुमाना है, वाई पे, जेड पे, एक्स पे, जहां भी आपको घुमाना है, इसको देखिए आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो हुआ शॉर्टकट की बात, अब मैनुअली हम इनको कहाँ से लेंगे, मैनुअल वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, मैं जूम इन कर देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखिए चार एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो पहला जो एरो है उसको बोलते हैं ट्रांसलेट, सेकंड जो हमारे पास है उसको हम रोटेट टूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है, एंड थर्ड है स्केल, जो हम पीछे वैसे तो कर चुके हैं लेकिन वो हमने शॉर्टकट के थ्रू किया था, अब की बार हम मैनुअली इनको यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, ट्रांसलेट जो, इसको हम देखिए किसी भी डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं, जो हमारे एक्सिस के जो एरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ग्रीन ब्लू और रेड, इन तीनों को पकड़ के जिस भी एरो को हम पकड़ेंगे वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसी साइड हम आगे और पीछे उसको ग्रैब कर सकते हैं, यानी आगे पीछे धकेल सकते हैं कि किसी भी तरह, ठीक है।
उसके बाद अगर हम इस एक्सिस पे, हम वाई एक्सिस पे लेना चाहें इसको, तो हम ग्रीन जो एरो है उसको पकड़ेंगे और यहाँ इधर उधर उसको खिसका सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जेड एक्सिस पे भी इसको सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमने किया था जो है रोटेट, ठीक है। रोटेट हमने आर टूल से लिया था, एक रैंडमली हो रहा था, लेकिन एक्सिस जो भी एक्सिस पे था हम उस पर घुमा सकते थे उसको, ठीक है। तो दोस्तों अब की बार हम मैनुअली करेंगे यहां से रोटेट। जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप इस टूल की मदद से, यहाँ पे जो हमारा टूल है, इससे इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। देखिए जिस भी डायरेक्शन में आप इसको लेके घुमाना चाहें उसी डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे, ये मैनुअली हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है जो हमारा टॉपिक, वो है स्केल। अब स्केल जिस भी डायरेक्शन में, अब जिस भी एक्सिस को आप पकड़ेंगे, यहां से जो रेड है, यहां से और यहां से, आप तो स्केलिंग इसकी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और हमारा जो चैनल है LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें।